banks follow. So there is why it is named as banker sanctum. So as in the banks, it is not possible to provide all the money to a person. Like it is not possible that someone comes and he's having the huge amount in his account. Like that is equal to the all amount in the money available in the bank. So it is not possible that the complete money will be given to that person. The same way the in system, all the resources cannot be granted to one person as well. हम सारे resources सिर्फ एक process को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर बाकी सारी processes का काम ठप हो जाता है, वो आदमी काम नहीं कर पाएंगी. इसलिए हम बैंकर सेल्थम काम में लेते हैं सिस्टम के लिए. तो जब हम बात करते हैं बैंकर सेल्थम की, तो हमें उससे पहले दो तीन चीजें समझनी होंगी. पहली बात, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या होता है. जब हम बात करते हैं सेफ स्टेट की, तो इसका मतलब है कि ऐसी स्टेट जहाँ पर जाकर के कोई डेडलॉक असर नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइट स्टार्वेशन में नहीं जाएगी, कोई भी प्रोसेस रिसोर्स के लिए लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं करने वाली है. ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं सेफ स्टेट. और अनसेफ स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने रैंडमली रिसोर्स एलोकेट कर दिया, हो सकता है कि किसी एक प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करने की वजह से बाकी सारी प्रोसेस सफर करें, इसे हम बोलते हैं अनसेफ स्टेट. तो इन डेडलॉक अवॉइडेंस व्हेन वी गो इन द बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम में सबसे पहला ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उतने ही रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं जितने अवेलेबल हैं. दूसरा, आपको पहले रिक्वेस्ट करनी होगी. आपको का मतलब है प्रोसेस को पहले रिक्वेस्ट करनी होगी. जितने मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं उतने दिए जाएंगे. तीसरा, उन रिसोर्स को यूज करने के बाद आपको उन्हें वापस लौटाना होगा, प्रोसेस को वापस सिस्टम को लौटाना होगा. प्रोसेस नीड्स टू सबमिट द रिसोर्सेज बैक टू द प्रोसेस टू द सिस्टम सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर द अदर प्रोसेसेस फॉर रिसोर्स शेयरिंग. तो बैंकर्स एल्गोरिथम में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज दीज आर अवेलेबल मैक्स एलोकेशन एंड नीड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अवेलेबल मैक्स एलोकेशन एंड नीड, सो अवेलेबल का मतलब है कि जितने रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आपके पास सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें हम बोलते हैं अवेलेबल मैट्रिक्स. जब हम बात करते हैं मैक्स की, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स दैट यू कैन प्रोवाइड, इट इज नेम्ड एज मैक्स मैट्रिक्स. अलोकेशन मींस टोटल ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज विद द प्रोसेस आर नेम्ड एज अलोकेशन मैट्रिक्स. एंड नीड का मतलब है कि आप कितने और रिसोर्स चाहते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स दैट यू वॉन्ट मोर देन, दैट इज नेम्ड एज नीड. तो पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स एंड सिंपल फंडा है नीड इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशन. तो आपको मैक्स मैट्रिक्स से अलोकेशन मैट्रिक्स को घटा करके नीड मैट्रिक्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन होता है आपको एग्जाम में. तो यहाँ पर ए रिसोर्स, बी रिसोर्स, सी रिसोर्स के आपको इंस्टेंस गिवन है. तो ए 10 रिसोर्स हैं, बी 5 हैं, सी 7 हैं. यहाँ पर आपको अलोकेशन मैट्रिक्स गिवन है, मैक्स मैट्रिक्स गिवन है, अवेलेबल मैट्रिक्स गिवन है. नीड निकालना है तो नीड इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशन. सो सिंपली माइनस अलोकेशन फ्रॉम द मैक्स मैट्रिक्स, तो मैं माइनस करता हूँ 753 माइनस 010, इट मींस दिस इज 743, दिस इज 122, दिस इज 600, दिस इज 011, दिस इज 431. तो ये हमारी नीड निकल गई है. तो मैंने सिंपल इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटा दिया है और ये बन गया मेरा नीड मैट्रिक्स. अगर हम बात करें कई जगह पर हमें टोटल इंस्टेंस गिवन नहीं होंगे, तो हम कैसे करेंगे, उसका आसान तरीका है. उसके लिए आप ये सारे जो अवेलेबल हैं इनके काउंट एलोकेशन है काउंट कीजिए. तो ए इज 2 + 3 + 2, दैट इज 7 + 3, दैट इज 10. नेम नंबर सेम आ गया, सेम 1 + 1 2, 2 में 3 ऐड किया 5, तो बी हो गए 5 रिसोर्स. सी की बात करें, 2 + 1 + 2 5 + 2 7 रिसोर्स. तो इस तरह से हम रिवर्स भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन जो गिवन होता है वो होता है फाइंड द सेफ सीक्वेंस. जब हमें सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होती है, तो सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सेफ स्टेट एल्गोरिथम को यूज करना होता है. व्हाट इज सेफ स्टेट एल्गोरिथम, दिस इज सेफ स्टेट एल्गोरिथम, यू कैन सी. सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर इन माइंड, वर्क, फिनिश एंड, सो देयर आर 3 एंड नीड. तीन स्टेप्स हैं जो आपको याद रखनी है. एल्गोरिथम जनरली याद नहीं होगी, लेकिन आप न्यूमेरिक के साथ करेंगे तो आपको याद होगी. पहला स्टेप है वर्क इक्वल टू अवेलेबल. यहाँ पर हम जितना भी अवेलेबल मैट्रिक्स होता है उसे वर्क में कॉपी कर देते हैं. फिनिश का मतलब हम चेक करते हैं क्या प्रोसेस का काम खत्म हो गया है. स्टेप टू में हम फिर से चेक कर रहे हैं प्रोसेस का काम अगर खत्म हो गया है. अगर नहीं हुआ है तो आपको चेक करना है नीड लेस देन इक्वल टू वर्क. इसका मतलब जितने रिसोर्स वो मांग रहा है वो अवेलेबल रिसोर्स से कम होने चाहिए. तीसरा, काम होने के बाद आप अपने अलोकेटेड रिसोर्स भी सबमिट कर दीजिए सिस्टम को,
ताकि वो आगे काम कर सके। उसके बाद चेक कीजिए, अगर प्रोसेस काम खत्म हो गया है तो उसके लिए छोड़ दीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस पर मूव कर जाइए। तो ये हमारी एल्गोरिथम है। अब मैं आपको दोनों एक साथ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इन्हें चलाने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज सेफ्टी एल्गोरिथम, आई हैव टेकन केयर साइड बाई साइड, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो सी वॉट आई एम गोइंग राइट नाउ, सो इन दैट पार्ट यू कैन सी दैट आई हैव टेकन दिस numerical over there. So the same numerical it is there as I have taken in my PPT. So this is my 332, right? So first of all, I need to calculate the need matrix. So I have calculated, so already solved in PPT as well. So now I need to find the safe state. So step one, work equal to work plus available. So work equal to available, that is 332, kyunki mere paas jo available resource hai, wo 332 given hai question mein. Maine yahan 332 le liya. Then I am going for P1 process. P1 की जो नीड है वो है 743। अब आप एल्गोरिथम देखिए और मैं यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। नीड हम निकाल चुके हैं, P0 का जो रिसोर्सेज था, रिक्वायरमेंट था, वो 743 था। तो हमने कंडीशन लगा दी स्टेप नंबर टू, नीड लेस देन इक्वल टू वर्क। सो 743 शुड बी लेस देन 332, क्योंकि नहीं है इसलिए P0 को हम रिसोर्स नहीं दे सकते। देन आफ्टर वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज P1। P1 की जो नीड है वो है 122, हमने नीड से निकाला 122। 122 is less than available resources, that is 332. Yes, need is less than equal to work as per this step number 2. So I can allocate the resource to P1. In step 3, work equal to work plus allocation. So now work plus allocation. So 332 mein hum P1 ke jo allocated resource hai wo add kar denge. P1 ko allocated resource kitne hai? P1 ko allocated resource hai 200, jo already P1 ke paas the, humne P1 se ab le liye kyunki P1 ka kaam khatam ho chuka hai. So 332 plus 200, that is 200 plus 532. Never call it 200, this is 200, right? So 532. Now work equal to 532. So next value is 532. I am going for satisfying P2 request. So P2 has requested need for 600 resources. So 600 is definitely less than 532 resource. It means यहाँ 6 resource मांगे हैं, हमारे पास सिर्फ 5 ही available है। यहाँ पर नहीं मांगे available है, लेकिन क्योंकि ये रिसोर्स हमारे पास एक कम पड़ गया इसलिए हम इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने P2 को रिसोर्स देने से मना कर दिया। P3 पे पहुंचे, P3 की नीड थी 011 की। 011 को हमने चेक किया हमारे अवेलेबल रिसोर्स से, क्योंकि इसको यहाँ पर एक ही रिसोर्स चाहिए, यहाँ एक रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 3 और 2 रिसोर्स थे, हमने बोला हम दे देंगे, तो P3 को रिसोर्स मिल गया। P3 के जो अलोकेटेड थे वो सबमिट हो जाएंगे। सो वर्क प्लस अलोकेशन 532 प्लस अलोकेटेड कितना है 211, ऑलरेडी P3 पास 211 था, सबमिट हो गया, सो इट बिकम्स 743 नाउ। P4 की रिक्वेस्ट लेते हैं, P4 की रिक्वेस्ट है, नीड है 431, 431 को हमने चेक किया 743 से, क्योंकि दे सकते हैं इसलिए हमने दे दिया, रिसोर्स अवेलेबल हुए, P4 ने काम खत्म किया, P4 अपने रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट रिसोर्स सबमिट करेगा, नाउ टोटल रिसोर्स आर 745। अब क्योंकि हमारी सिक्वेंस P0, P1, P2, P3 एंड P4 में से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वापस से हम शुरू करेंगे स्टार्ट से, क्योंकि OS में जहां भी आप अटके हैं FCA पे शुरू कर दें। अगेन कम बैक टू P0, P0's रिक्वेस्ट वाज 743, उस टाइम हम सबमिट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 745 है, तो हम इसको दे सकते हैं। हमने अलोकेट कर दिया P0 को, P0 के पास जो अलोकेटेड थे वापस हो जाएंगे, 010 अलोकेटेड था, नाउ वैल्यू बिकम 755। नाउ गोइंग फॉर P2, P2 की रिक्वेस्ट इज 600, हमने अलोकेट किया, मिल गया रिसोर्स, हो गए 302 मिलाकर 1057। आप देखेंगे सारी प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है 1057, इजंट दैट नंबर इज सेम एज द क्वेश्चन। सो वी वर गिवन एज इन स्टार्ट दैट टोटल 10 इंस्टेंस आर देयर इन ए, 5 इन बी, सी इन 7। सो 10 इन ए, 5 इन बी एंड सी इन 7। सो दिस वे द बैंकर्स एल्गोरिथम वर्क। सो व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में रिसोर्स एलोकेट किए उस सीक्वेंस को लिख दीजिए। सबसे पहले P1 को रिसोर्स दिया, देन P3, देन P4, देन P0, देन P2। सो दिस इज माय सेफ सीक्वेंस। इसके अलावा वो आपसे एक क्वेश्चन में आपको अटका सकता है, उसका दो ट्विस्ट देगा वो आपको। पहला ट्विस्ट होगा, कैन रिक्वेस्ट फॉर 330 बी ग्रांटेड बाय P4 बी ग्रांटेड। इट सिंपली मींस राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द नीड ऑफ P4 इज, नीड ऑफ P4 वाज वी हैव कैलकुलेटेड इज 431। इट इज सेइंग रादर देन 431 you keep in mind 330. So now the question will be solved with the need of 330 for P4. Same for P0, it will become 020. If it is 020, quite possible we can serve this request at once.
So at initial, we will start for P0. So now safe sequence will change. So P0 will be satisfied, then P1, then P2, so then P1, then P3, then P4, and so on. This way we can satisfy the request. One more twist he can give. He can ask the word can request for more 330. जब वो बोलता है कैन रिक्वेस्ट फॉर मोर, अगर वो मोर वर्ड यूज करता है तो इसका मतलब P1 का जो नीड था 431 उसमें हमें 330 ऐड करना है. सो नाउ नीड इज 761. सो नाउ P4 विल गो फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ 761 बिकॉज आवर अल्टीमेट वर्क कैलकुलेशन एट P4 वाज 743 एंड नाउ एज पर दिस मोर वर्ड request is for 761. So 761 is definitely less than, not less than 743. So we will not be able to grant the resource for P4 at the instant. Again, I will go to P2. If I get the resource, I will go for this. And then if possible, I will allocate the resource for P4. So this way we go for the banker's algorithm in deadlocks. So I hope it is now clear to you.